अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं मेरे दोस्त। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। आज की वीडियो में अपने सारे डॉग्स के नाम बताऊंगा, उनकी पहचान बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। और उससे पहले मैं बताता चलूँ, एक फीमेल आई है, वो जो दरख्त के पीछे बैठी हुई है, डोरे के पास आई है, तो इसका भी कुछ ना कुछ बनाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा जी, शुरुआत करते हैं ओरियो से। ये ओरियो है, अब तकरीबन 8 या 9 महीने का हो गया। मेल पपी है ये हमारे पास। और उसके बाद जी ये रानी है, ये वाली रानी को जब भी आप देखेंगे ये आपको शोर करती हुई ही मिलेगी। बार बार वो बीच में डोरा डिस्टर्ब कर रहा था। अच्छा, ये रानी है जो बहुत ज्यादा शोर करती है। ये ओरियो है, इसका पहले भी मैंने आपको बताया। वो डोरे के पास जो खड़ी है वो एल्सा है और डोरा इस टाइम बिजी है। तो मैंने कहा जरा पहले ये वाला काम फ्री करवा दे डोरे का, और क्या नाम था फीमेल का जो आई हुई है कुछ दिन के लिए, लैला, लैला का। अच्छा जी, ये मिली है जिसके कमर के ऊपर ना वाइट बाल है, ये वाली जो ब्लैकी के साथ आइटम खेलती रहती है। और ये ब्लैकी है जो मिली के साथ आइटम खेलती रहती है। ब्लैकी की जो ब्रीड है वो लैब्राडोर है और मिली की जो ब्रीड है वो जर्मन शेफर्ड है। अच्छा, इसके साथ जी ये जैकी है, थोड़ी सी पतली सी फीमेल और लंबी सी फीमेल, ये जैकी है, ठीक है। उसके बाद जी ये पतला सा मेल है, रॉकी है, अभी कंडीशन में नहीं है। एक होगी जैकी, बड़ी हाइट वाली, थोड़ी सी वीक है जो। और एक हो गया रॉकी जो ऊपर से ब्लैक है सारा, डार्क कलर में है, ठीक है जी। उसके बाद आ गई डोरा, बड़ी हाइट की है और इसके मुंह पे जो है सफ़ेद कलर के बाल हैं, इसका नाम डोरा है। मिली की, रॉकी की, जैकी की और डोरा की ब्रीड जो है सेम है, जर्मन शेफर्ड लॉन्ग हेयर में। अच्छा जी, उम्मीद है कि इन सारों की आपको समझ आ गई होगी। और ये आया जी, ये लैब्राडोर ब्रीड है, हैप्पी है। ये मेरे दोस्त का कुछ अरसे के लिए मेरे पास आया हुआ है। हैप्पी, हैप्पी, चलो चलो चलो, शाबाश, ज्यादा जंप ना मारा कर। अच्छा जी, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ रानी, बल्कि मैक्स दिखा दूं। ये जी मैक्स है, इसको सारों से लेदर इसलिए बंद किया हुआ, बाकी को खोला हुआ, ये लड़ता है पाको के साथ। इसका नाम मैक्स है और ये ब्रीड जो है रॉटवाइलर है। उसके बाद जी इधर आ जाते हैं, ये एक और फीमेल है, ये थोड़ी सारी फीमेलों से डिफरेंट है। इसका नाम काजल है और ये भी बाकियों के साथ लड़ती है। जी, ये इसका नाम पाको है, ये जो मेल अभी निकाला है जिसकी टेल राउंड आपको नजर आ रही है। और इसकी जो ब्रीड है वो अमेरिकन अकीटा ब्रीड है इसकी, काफी बड़े साइज का और खूबसूरत मेल है। और बेला अंदर बंद है क्योंकि वो भी लड़ती है बच्चे दिए हुए जब से उसने। और ये दोनों अपनी ही मौज मस्ती में, मिली और ब्लैकी। सारों के नाम बताने का मकसद ये है कि मेरी जितनी भी ऑडियंस रेगुलर देख रही है उनको मेरे डॉग्स के नाम पता होने चाहिए। कल ओए यार पाको एकदम से ना आया कर, चल दे चल। कल बहुत ही हमारे प्यारे एक भाई हैं, उन्होंने मुझे कॉल की थी तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि भाई आपके जो डॉग्स हैं मिक्स अप हो जाते हैं, नहीं समझ लगती डोरा कौन सा है, मिली कौन सी है। तो जिस तरह मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ उस तरह काफ़ी ऑडियंस कंफ्यूज होती होगी। तो मैंने कहा जी इंशाल्लाह मैं सारों को वन बाय वन इंट्रोड्यूस करवाऊँगा और उनकी निशानियाँ भी बताऊँगा। ये रॉकी है, ऊपर से काला, ठीक है। और ये मेल है, ये जैकी है, ये डोरा जिसका मुँह वाइट है, ये मिली है जो ये पाको है। अच्छा, ये वाली जो डॉग ब्रीड है छोटे जो मेरे, इनको पाकिस्तान में रशियन चूहा ब्रीड, पिस्ता ब्रीड, ठीक है ना, इस नाम से जाना जाता है।
और इंडिया में इसको स्पिट्स, इंडियन स्पिट्स के नाम से जाना जाता है। अब जी गुलबई का इम्तिहान लेते हैं। गुलबई जैकी किधर है, जल्दी से बताएं, जल्दी से खबर करो। जैकी किधर है गुलबई, जैकी किधर है बताएं। ये जैकी। कौन सी? अच्छा जी ये जैकी है। और गुलबई डोरा किधर है? ये डोरा है जी। और मिली किधर है? ये मिली है। कौन सी? ये वाली। ठीक है, ये मिली है, वो जे, रॉकी है। हाँ, और ये कौन सी है? ये फिर मिली है? नहीं नहीं ये जैकी है। ये मिली है, मिली है। देखें गुल भाई भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा और गुल भाई हैप्पी किधर है? किधर? वो सामने। किधर? वो। अच्छा वो जी हैप्पी है। और ये ब्लैक ही है। गुल भाई क्या कहते हैं, इनके साथ मैक्स को भी खोल दें? हाँ हाँ खोल दो तो बस सारों का काम हो जाएगा। नहीं तो फिर आप किधर जाएंगे? तो वही तो नहीं, मेरा साथ तो अभी याद ही हुआ है। क्या करता है? देखा नहीं मैंने, दरवाजा खोला हुआ था अभी। अच्छा नहीं मैंने नहीं देखा। चलें जी गुल भाई इनका क्या कर रहे हैं, ये केज में भी लड़ती रहती है? नहीं यार, खेलती रहती है तो बिल्कुल। ये देखे ना इनको, तो बाहर निकल के केज में तो जब इनको खाना भी डालता हूँ आराम से खाते हैं ये बस मस्ती में होते हैं। चलें जी चलें, इनको इसलिए इस टाइम खोलते हैं कि यार ये मस्ती कर लें, जितनी मस्ती करेंगे उतना अच्छा। लेकिन मिली उसका कान उतारना है, यही प्रोग्राम है। अच्छा जी एक दफा फिर बता दूं, ये डोरा है जिसके मुंह पे ये वाइट बाल है, हाइटेड फीमेल है। ये रॉकी है पतले स्ट्रक्चर में, ठीक है, फिलहाल तो इसकी कंडीशन में नहीं है। तो वो जैकी है, थोड़े से लाइट कलर में, बड़े साइज की फीमेल है, बाकी फीमेलों से डिफरेंट है, इसका मुंह वगैरह डिफरेंट है। ये मेरा पाको खड़ा हुआ है, अमेरिकन कीटा ब्रीड है। मिली उसका बाप क्या करती है? मिली उसका कान से पकड़ के खींच रही है। जी तो फ्रेंड ये कुर्चिला है गोल्डी, और इसके अलावा ये बेला है गुलटेर ब्रीड है, और ये इसके पपीज हैं, ये पाको के और इसके बिलो और डोरा के पपीज हैं। सब लगे हुए फीड करने में, छोटा सोया हुआ खाली ये। हेला बैठी रहे बैठी रहे, उठी ना। और मेरे ख्याल से मेरे चैनल पे कोई इस तरह की ब्रीड है नहीं जो मैंने आपको दिखाई ना हो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सपोर्ट अपनी जारी रखें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।